कीर्ति परोहा, 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन के प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस, नोट मेकिंग की प्रैक्टिस और आपको ग्रामर सेक्शन में दो जो सब पार्ट थे उसके एक फिलर क्वेश्चन और दूसरा डूएस डायरेक्टेड, उनके भी 5-5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। और इसके बाद आपका जो सेक्शन डी था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और इसी सेक्शन डी के अंतर्गत आज हम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोम अर्थात आपकी जो कविताएं हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत अच्छी है, बहुत सरल है और इसको अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो एग्जाम के लिए बेटा आपके 3 मार्क्स इसमें कंफर्म हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोम। सबसे पहला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ऐसी कविता की कुछ लाइनें दी रहेंगी और उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पहला है एक्सट्रैक्ट नंबर 1, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पर ये जो पोम है इसके क्वेश्चन नंबर देखें, पहला अपन फ्रॉम विच पोम द अबव लाइन हैव बीन टेकन। ये जो लाइन है जैसे कि इसमें आप याद रखिए लास्ट वॉइस एट नाइट ब्रिलियंट आईज, इस टाइप की कुछ लाइन है जो कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको किसी भी पोम के पर्टिकुलर नाम की याद दिला देते हैं। तो इसमें पूछा है कि ये जो लाइन है ये किस पोम से ली गई है, ए डस्ट ऑफ स्नो, बी फायर एंड आइस और सी है अ टाइगर इन द जू। तो इसका राइट आंसर है अ टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ही स्टेयर एट। तो इसका सही आंसर है लिखा है ना यहाँ पर, ही स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज वॉइज एट नाइट। तो वो कब देख रहा है, नाइट में। तो व्हाट डज ही स्टेयर एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, ए इंटेलिजेंट, बी ग्लेयर, सी डल। इसका सही आंसर है डल, सी। ऑप्शन ए बी सी ये चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको जो अपोजिट वर्ड है उनका ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि मैडम ने ऑप्शन सी दिया है उसमें हो सकता है वर्डिंग चेंज हो जाए तो आप ऑप्शन सी लगा के आए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे साथ रिवाइज करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, डल। ब्रिलियंट का अपोजिट डल। अब देखते हैं हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर। अब यहाँ पर बॉल पोयम के बारे में है तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, फ्रॉम विच पोम हैव द अबव लाइन बीन टेकन। ये जो लाइनें हैं ये किस पोम से ली गई हैं, ए फायर एंड आइस, बी अ टाइगर इन द जू, सी द बॉल पोयम। तो बिल्कुल सिंपल है, जब यहाँ हमने बॉल पढ़ा तो वॉटर में गई तो ये हम कहेंगे कौन सी पोम है, ये द बॉल पोम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मैरिली। मैरिली का अर्थ होता है खुशी खुशी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सैडली, बी हैप्पीली, सी क्लेवरली। सो द राइट आंसर इज बी हैप्पीली। तो द वर्ड सिमिलर टू द वर्ड मैरिली इज हैप्पीली। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली जाती है। तो ये लिखा है ना, देयर इज इन द वॉटर, तो हो जाएगा आंसर द बॉल वेंट टू द वॉटर। जो बॉल है वो कहाँ चली गई, पानी में चली गई। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब यहाँ पर किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, क्रो के बारे में हो रही है, हेमलॉक ट्री के बारे में बात हो रही है, डस्ट ऑफ स्नो भी आ गया यहाँ पर। तो पहला है, हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोम, इस पोम के जो पोएट हैं वो कौन है, ए कैरोलिन वेल्स,
बी रॉबिन क्लेन और सी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृतिवादी कवि रहे, इसलिए इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ है? तो लिखा है यहाँ पर क्रो हेमलॉक ट्री। ए है ऑन हेमलॉक ट्री, बी ऑन बेनियन ट्री, सी ऑन पीपल ट्री। सो द राइट आंसर इज द क्रो वॉज ऑन हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन? ए ही फॉल्स अस्लीप, बी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, ही स्टार्ट्स टॉकिंग। तो यहाँ पर देखो लिखा है डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, उसने चेंज ऑफ मूड, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, बी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। क्वेश्चन नंबर फोर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी क्रो और जो हेमलॉक ट्री है दोनों ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पर? ए सॉरो, बी हैप्पीनेस, सी सेलिब्रेशन। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री सिंबलाइज कर रहे हैं ए सॉरो को, तो राइट आंसर इज ए सॉरो। एक्सट्रैक्ट नंबर फोर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, इस पोएम के पोएट कौन है? ए कैरोलिन वेल्स, बी रॉबिन क्लेन या सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर इसके जो पोएट हैं, पोएम का नाम है फायर एंड आइस और इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखो बच्चों, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, आग को पोएट ने किससे कंपेयर किया? ए हैट्रेड, बी डिजायर, सी हॉट। तो यहाँ पर पोएट ने फायर को कंपेयर किया है डिजायर से, फायर डिजायर ऐसे याद करिए, फायर डिजायर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विथ हुम डज द पोएट वॉन्ट टू स्टे, ए दोज हु फेवर फायर, दोज हु फेवर आइस और सी बोथ। यहाँ पर हु फेवर फायर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए दोज हु फेवर फायर। अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर फाइव, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम विच पोम हैव दीज लाइन बीन्स टेकन, ए फायर एंड आइस, बी अ टाइगर इन द जू और सी द बॉल पोएम। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बार बार आइस आ रहा है, कुछ मैच हो रहा है, हमको इनसे ध्यान रखना है कुछ वर्ड्स को देख के। तो इसका राइट आंसर है ए फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, ए राइस, बी डाई, सी ग्लो। तो यहाँ पर द मीनिंग ऑफ पेरिश इज बी डाई। तीसरा, हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, देखो बेटा ये बार बार ये पोएट के आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट, बहुत ध्यान से पढ़िए, ए कैरोलिन वेल्स, बी रॉबिन क्लेन या सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आप ये मन में याद रखिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट एंड स्नो एंड फायर एंड आइस पोम लिखी है। अब देखें एक्सट्रैक्ट नंबर सिक्स, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो ब्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट them long and long, they do not sweat and whine about their condition. A question dekhen, who is I referred to in the above lines? Ab yahan par I kis cheez ko refer kar raha hai, yahan indirectly mein pooch raha hai ki iska poet kaun hai? A Walt Whitman, B W.V. Yeats, C Robert Frost. To yahan par I रिफर कर रहा है वॉल्ट विटमैन, क्योंकि वॉल्ट विटमैन ही इसके पोएट है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, प्लेसिड का क्या मीनिंग है? ए पीसफुल, बी जेलस, सी ग्रीडी। तो इसका राइट आंसर है प्लेसिड यानी पीसफुल, सुकून देने वाला। क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम विच पोम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन, अब ये किस पोम से ली गई है? तो देखो बेटा यहाँ पर एक इसका क्लू वर्ड्स यहाँ पे दिया है,
एनिमल्स, तो ए एनिमल्स, बी फॉग, सी द ट्रीज, राइट आंसर है एनिमल। तो बच्चों ये थे आपके फोम एक्सट्रैक्ट, इनको आप बहुत अच्छे से करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।